डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत का विजन पहले से ही साफ है, आत्मनिर्भर होने का। भारत का सुरक्षा कवच अब और भी मजबूत होने जा रहा है। हम ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के रास्ते पर हैं, जो इजराइल के आयरन डोम से बेहतर तो होगा ही, साथ ही अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के S-400 को भी टक्कर देगा। इसे बनाने की जिम्मेदारी मिली है DRDO को और इस प्रोजेक्ट को नाम मिला है कुश, जो लंबी दूरी से भारत की तरफ आने वाले खतरे को हवा में ही ट्रैक करके उसे नष्ट कर देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में बात आज कुश की। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले जान लीजिए प्रोजेक्ट कुश है क्या। ये भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM 150-250 और 350 किलोमीटर तक ये दुश्मन की हरकतों को ट्रैक कर उसे नेस्तनाबूद कर सकती है। ये इजराइल के आयरन डोम से बहुत बेहतर होगा। यही नहीं, ये अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात देगा, जो सिर्फ 110 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों की हरकतों को ट्रैक करता है। हम जो एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं वो रूस की S-400 के टक्कर का होगा। ये 380 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की हरकत को ट्रैक करता है। चलिए अब जानते हैं कैसे काम करेगा ये एयर डिफेंस सिस्टम। 2028-29 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कुश उसे ट्रैक कर लेगा और उसे हवा में ही मार गिराएगा। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है। हम अभी रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लंबी दूरी कर सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 फिलहाल 4 देशों के पास है। रूस ने इसे भारत, चीन और तुर्की को बेचा है। अब क्योंकि चीन पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है और भारत से दुश्मनी रखता है, ऐसे में भारत को स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी, जो कुश के आने से पूरी हो जाएगी। कुश के तैनात होने के बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना लंबी दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। फिलहाल हमारे पास स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।